नमस्कार, मैं डॉक्टर बीला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कंपोजिशन में जो रेखांकन का प्रभाव होता है और जो रेखांकन के प्रकार होते हैं, उस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। जैसे कि अपन ने जो कंपोजिशंस अभी तक बनाए हैं, आपने ये देखा कि इसमें ढोलक है, तबले हैं, ये एक संगीत का दृश्य है जो कि मैंने आपको, ये सिर्फ एक रेखीय आकृति है, इसमें अपन ने अभी कलन करना प्रारंभ नहीं किया है। इसी तरह से ये जो आपको श्रम का कंपोजिशन बनाकर बताया था, इसमें आपने देखा कि रेखीय आकार है और उन्हीं आकारों को किस तरह अपन ने कलर किया है, और आकार को या जो भी हमारा टॉपिक है, विषय है, उसको रेखाओं की सहायता से, आकार की सहायता से उभारा गया है। और ये जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं संगीत का, इसमें भी आकार को रेखाओं के माध्यम से हमने दर्शाया है। ये मैं आपको बता रही हूं कि रेखाओं का चित्रकला में बहुत महत्व है, क्योंकि जब भी ये हमारी समतल चित्रभूमि है, लंबाई और चौड़ाई, इसमें कोई गोलाई नहीं है, लेकिन रेखाओं के माध्यम से हम इसमें सक्रियता उत्पन्न करते हैं। जब भी कोई रेखा बनाना हम प्रारंभ करते हैं, चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। और कुछ हमें चित्रभूमि जब सक्रिय हो जाती है, तब हम जो भी ड्राइंग करते हैं वो एक आकार लेने लग जाता है। जैसे मानिए एक बिंदु है, आप देखिए, मात्र एक बिंदु लगाने से चित्रभूमि सक्रिय हो गई है। दूसरा अपन ने बिंदु लगाया, अभी हमने इसमें कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ एक बिंदु मात्र लगाया है, इसके बीच रेखीय आभास हो रहा है, इसके बीच रेखा नहीं है लेकिन रेखीय आभास है। इसीलिए जब भी आप कोई संयोजन तैयार करते हैं, चित्र संयोजन, उसमें कहीं कहीं पूर्ण रेखाएं बनाते हैं, कहीं रेखीय आभास हो जाता है। जैसे आपने सप्तऋषि मंडल देखा है, जब भी हम सप्तऋषि मंडल के साथ तारे देखते हैं, उनके बीच में आप देखिएगा एक रेखीय आभास है, और वो हमें सप्तऋषि मंडल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन रेखा भी बहुत तरह की, अब जो हमने ये रेखा बनाई है, ये है स्वतंत्र रेखांकन, यानी जो हमारे मन में विचार आया, हमने अपने विचारों को एक आकार देने की कोशिश की है, और आकार देने के लिए हमने चित्रभूमि का एक सहारा लिया है और उसमें चित्र बनाए हैं। चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव लाने के लिए भी हम रेखाओं को उभार दे सकते हैं। चित्रभूमि में खाली रेखीय ड्राइंग कर सकते हैं कि हम खाली रेखा की सहायता से आकारों को उभार दे सकते हैं। एक होता है हमारा स्मृति रेखांकन, जैसे कि अपन ने ये जो ड्राइंग बनाई है, क्योंकि ये मॉडर्नाइज तरीके से बनाई गई है, इसलिए हमने इनको स्मृति में, हमारे जो था स्मृति पटल पर, उसी चीज को हमने देखिए आकार देकर ये कंपोजिशंस तैयार किए हैं। जब भी आप कोई चीज की कल्पना करते हैं या कोई भी दृश्य देखते हैं, वो आपके मानस पटल पर कुछ विचार छोड़ जाता है, जिसको आप गहनता से उसका अध्ययन करते हैं, सोचते हैं। ये जो आपकी सोच है, ये चित्रकला को आकार देने के लिए सर्वोपरि है। आप, चूंकि आप चित्रकार हैं, ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है, इसलिए आप उसको पूर्ण आकार देने के लिए रेखांकन का, स्मृति रेखांकन को अपने ड्राइंग में परिलक्षित करते हैं। जो भी आप बनाते हैं उसमें आप इसको परिलक्षित करते हैं। ऐसा ही आप जो कंपोजिशंस बनाएंगे उसमें आप प्रतिरूपात्मक रेखांकन भी कर सकते हैं। प्रतिरूपात्मक यानी जैसा हम देखते हैं वैसा ही चित्रित करना, प्रतिरूपात्मक
उत्पादक कहलाता है। जो हमने सामने मानी, सपोज करिए कोई लेडी जा रही है या कोई पुष्प है, घास है, फूल पत्ती है, कुछ है, अगर एक चित्रकार उसको देखकर, यानी आप एक पुष्प ले लीजिए, उसको सामने देखकर अगर हम उसकी आकृति हूबहू बनाते हैं तो वो हो जाता है प्रतिरूपात्मक रेखांकन, यानी जैसा अपन ने देखा वैसा ही उसको अपन ने चित्रित किया है, ये कहलाता है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। कुछ चित्रकार क्या करते हैं, यंत्रों की सहायता से रेखांकन करते हैं। अब आप पूछिए कि यंत्र क्या होते हैं, इसमें आप देखिए तूलिका का सहारा लेते हैं कुछ लोग यंत्रों का सहारा लेते हैं। आजकल देखिए कितने तरह के स्प्रे पेंट करने की मशीनें आ गई हैं, वो पेंटिंग करते हैं तो उसमें स्प्रे कर देते हैं। कुछ चित्रकार धुआं से पेंटिंग करने चालू कर देते हैं, पेंटिंग करते हैं तो उसको एंटिक लुक देने के लिए उसमें धुआं का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी यंत्र को जला के या लाइटर को जला के वो उस पर धुआं करते हैं जिससे कि उसमें एंटिक लुक आ जाए और वो काफी पुरानी दिखती भी प्रतीत हो। तो ये जो है ये ऐसा रूपांकन कहलाता है जिसमें हम अन्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। और आजकल चित्रकला में प्रयोगवादी दृष्टिकोण चित्रकार अपना ही रहे हैं, क्योंकि नित नए प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहे हैं तो कला के क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इसके साथ ही होता है, एक होता है सांकेतिक रेखांकन, जैसा अपन किसी चीज का संकेत देते हैं वो कहलाता है हमारा सांकेतिक रेखांकन। जैसा कि आपने देखा कि मानिए आपको कोई डिब्बा बनाना है तो आप सिर्फ संकेत की सहायता से उसको आप बना सकते हैं, मतलब आपको उसमें सिर्फ संकेत नजर आना चाहिए, सांकेतिक रेखांकन। मतलब सांकेतिक रेखांकन, ठीक है। इसके साथ ही एक होता है प्रकृति का रेखांकन, यानी जैसा अपन ने कुछ प्रकृति में देखा वैसा हमने उसको रेखांकित कर दिया। जैसे आप मानी फूल पत्ती पेड़ पौधे जो भी कुछ प्रकृति में देखते हैं आपने उसको हूबहू उसके रेखांकन कर दिया। ये तो ये होता है प्रकृति रेखांकन, यानी प्रकृति में चित्रकारों के लिए प्रकृति में बहुत कुछ है जो कि वो बनाना चाहते हैं। एक होता है वस्तु रेखांकन, यानी कि सामने कोई भी वस्तु रख दी जाए, माने आपने एप्पल रख दिया, केला रख दिया है, कुछ भी वस्तु आपने रख दी साथ में, अगर ये वस्तु किसी प्लेट पर रखी हुई है, इसके साथ ही आप इसमें कुछ भी वस्तु कोई भी हो सकती है, अंगूर के गुच्छे रख दिए आपने, तो ये होता है कोई भी वस्तु अपन रखते हैं मॉडल के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल लाइफ, यानी ये चीजें स्थिर हैं, ये सांस नहीं लेती है, लिविंग थिंग नहीं है, सांस नहीं लेती है, कोई वस्तु है ये हमने रख दिया है और इसका हम लोग चित्रण करते हैं, ये कहलाता है हमारा वस्तु चित्रण। जो भी हमें सामने रखी जो भी वस्तु होती है उसको हम लोग इसमें चित्रित करते हैं। इसी तरह से कंपोजिशन तैयार करते हैं, कंपोजिशन में यही खासियत है कि रेखाओं की बहुत खासियत है, जो आप रेखा जितनी सुंदर रेखा बनाएंगे, जितनी मोटी पतली लचीली आड़ी तिरछी सभी तरह की रेखाओं का इसमें प्रयोग होता है, और रेखाओं के माध्यम से कंपोजिशन का बेस तैयार होता है। कलर जो है वो सेकेंडरी है, कंपोजिशन का जो हम बेस बनाते हैं वो सिर्फ रेखीय माध्यम से हम एक कंपोजिशन का पूरा स्केच करते हैं, तत्पश्चात उसमें हम लोग कलर करते हैं या जो भी हमारे मनोभाव होते हैं वो हमें पूरे कंपोजिशन में प्रकट करने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो है रेखीय प्रभाव,
रेखा का प्रभाव, इसीलिए कंपोजिशन में रेखाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और रेखाएं, जैसे मैंने आपको बताया, रेखाओं के माध्यम से हम लोग कम और ज्यादा रेखाओं के माध्यम से पूरी अपने मनोभावों को किसी भी द्विआयामिक चित्रतल पर प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।